गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, मगर आप सभी तक, क्योंकि हमारा एक रिश्ता जो है वो गुरु शिष्य का रिश्ता है, मैं भी एक शिष्य हूँ, आप भी शिष्य हैं, तो हम सहपाठी हुए, साथ सीखने वाले हुए, और जो कुछ मुझे इल्म होता है, जो कुछ मैं जानता हूँ, सीखता हूँ, वो मैं आप सब तक शेयर कर देता हूँ, मदद आपकी कर देता हूँ। तो ऐसे ही आज मैं एक और मदद आपकी करने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा की महत्वता तो मैं क्या ही बताऊँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में और न ही मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकार हूँ, मगर हाँ मेरा जो नज़रिया है गुरु के प्रति, गुरु शिष्य के रिश्ते के प्रति, आज उस पर थोड़ी रोशनी डालने की मैं कोशिश करूँगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि गुरु की महत्वता क्या है और इस रिश्ते की महत्वता क्या है, जो जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं सीखा हूं। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं तो हैं ही हैं आपको, और क्योंकि अभी कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि हम क्लासेस रेगुलर जा नहीं पा रहे हैं, है ना, लॉकडाउन है और खुल भी चुका है मामला, ठीक भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है देश की, तो हम जो आना जाना है वो थोड़ा कम ही रख रहे हैं सेफ्टी एहतियातन, सेफ्टी के तौर पर। तो काफ़ी ऐसे शिष्य होंगे जो अपने गुरु से दूर हैं, काफ़ी ऐसे शिष्य होंगे जिनको सानिध्य प्राप्त हो भी रहा है ना, कुछ हैं जो रेगुलर जा भी पा रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं भी जा पा रहे हैं। तो एक मेरे ही गुरु जी ने, मेरे दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी ने एक चीज़ बताई थी कि गुरु की संगत का क्या महत्व होता है, उस पर तो वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गुरु से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सभी का, तो आप भी लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने संगत के ऊपर यह बताया था कि गुरु भले ही शारीरिक तौर पर आपके सामने मौजूद ना हो, है ना, पर मानसिक तौर पर आपसे जुड़ा रहता है और आपकी जो क्रिएटिविटी में जो मदद करता है वो वही गुरु है, है ना। और आध्यात्मिक तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो गुरु ही वो व्यक्ति होता है या वो तत्व होता है, मैं ये बात करूँगा, मैं व्यक्ति को पॉइंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रिश्तों में जो एहसास हैं वो मानी रखते हैं, ना कि वो लोग। तो क्योंकि इंसान अपने अपने, इंसान की अपनी फितरत होती है, लेकिन उस तत्व की, उस एहसास की अपनी एक अलग फितरत होती है, तो हमें उस तत्व से जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि गुरु और गुरुत्व, है ना, एक चीज़ होती है, आपने ठीक है शारीरिक तौर पर किसी को, एक को, इंसान को गुरु बना रखा है, लेकिन उसके अंदर के तत्व को आपने बेसिकली गुरु बनाया हुआ है, उस इंसान को नहीं। अगर आप उसका चरण स्पर्श भी करते हैं, आप दंडवत प्रणाम भी करते हैं, तो उस शरीर को नहीं, आप उस तत्व को प्रणाम कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैंने यही सीखा है अपने पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी से, मेरे दादा गुरु नरेंद्र कुमार ब्यावत जी से, है ना। तो आज सबसे पहले तो मैं उन सभी को अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ, मेरे प्रथम गुरु, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी, जो कि मेरे पिता गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, और फिर मैंने जिनसे हारमोनियम की तालीम और आगे ली, उस्ताद रहमान खान साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनका आशीर्वाद आज भी मुझ पर है कि जब भी मेरी उंगलियाँ इस साज पर पड़ती हैं तो वो कनेक्शन बैठ जाता है ना, कि जो पिताजी से सीखा, जो खान साहब से सीखा, और फिर मेरे दादा गुरु जो कि हैं पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, जिनसे कि मेरे पिताजी ने भी तालीम ली है, उनसे शिक्षा उन्होंने भी ली है, और मेरी बहनों ने, मेरे अन्य साथियों ने उनसे ही सीखा है।
तो इन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और मेरी तबले की शिक्षा जिनसे आगे की हुई है, वैसे तो मैंने पिताजी से और दादा गुरुजी से भी सीखा है, पर जो बेसिक जो शिक्षा मैंने ली है वो तालमणि पंडित रामकृष्ण बोस जी, उनसे मैंने शिक्षा ली है, तो उनको भी मेरा प्रणाम समर्पित है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि गुरु जो है वो मेरे ख्याल से इस दुनिया का सबसे ऊपर का रिश्ता होता है। भले ही वो आपके माता पिता हों, उनसे भी ऊपर का अगर कोई रिश्ता है मेरे ख्याल से, तो वो गुरु का रिश्ता है। माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, आपको जन्म देते हैं, जाहिर बात है, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे किसी भी रिश्ते का। मगर मैं फिर भी यही बताना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता है सबसे बड़ा रिश्ता है। क्यों, ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो गुरु तत्व है वो हर एक रिश्ते में होता है। क्योंकि गुरु से आप सीखते हैं और डेवलप होते हैं, और वो जो सीखने की जो परंपरा है या जो सीखने की जो सीखने का जो रिश्ता है वो आपका हर रिश्ते में होता है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से, जब आप बहुत छोटे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तब आपका प्रथम गुरु आपकी माता होती है ना। आपकी माँ आपका पहला गुरु है, पहला टीचर है आपका। उसके बाद आपके पिता से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ परवरिश जो है आपकी हो रही है। उसके बाद हर एक रिश्ते में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो गुरु शिष्य का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इनहेरेंटली सबके अंदर है ना। देखा जाए तो सबकॉन्शियसली आप सभी से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, और फिर आप एक किसी व्यक्ति को भी अपना गुरु बना लेते हैं किसी भी विषय में। तो मेरे ख्याल से और कोई भी ऐसा रिश्ता, या यूं कहें कि और कोई सा भी कोई सी भी चीज़ आपके साथ जीवन भर नहीं रहती है, लेकिन गुरुजी जो उनकी जो सीख है, जो ज्ञान है, वो हमेशा आप तक रहता है, आपके साथ रहता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप एक अच्छे होटल पर खाना खा सकते हैं, वो आपको 4 दिन याद रहेगा, 4 दिन आपको उसका स्वाद याद रहेगा, 4 दिन आपको उसका माहौल याद रहेगा। एक अच्छी जगह घूम के आ सकते हैं, वो भी हफ्ते भर, चलो साल भर आपको याद रह जाएगी, कि आप साल भर बाद भी याद कर रहे हो कि भाई हम गोवा गए थे, भाई हम मनाली गए थे। लेकिन गुरु की सिखाई हुई बात आपको जीवन भर याद रहती है और जीवन भर आपको डेवलप करती है। तो बेसिकली इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, है ना। गुरु शिष्य से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि गुरु ही वो है जो आपको दुनिया की ऐसी ऐसी बातें समझाता है जो शायद आपको कोई और बताएगा नहीं। निश्चल जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए होते हैं, है ना, कुछ हमें जीतना जीतता देखना चाहते हैं वो, है ना, वैसे ही गुरु ऐसा एक रिश्ता है जो हमें जीतता देखना चाहता है। तो मेरे ख्याल से गुरु की बहुत बड़ी महत्वता है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ तो मैं क्या ही बताऊँगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उतनी मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, आप तक वो इल्म पहुँचा रहा हूँ, वो नॉलेज पहुँचा रहा हूँ, वो नज़रिया पहुँचा रहा हूँ जो आपको आपके गुरु के प्रति रखना चाहिए। ठीक है, तो सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम है जिनसे मैंने सीखा है और जिनसे मैं आगे भी सीखूंगा और सीखता रहूंगा जीवन भर। आप भी अपने गुरुओं को प्रणाम करें। और मेरा ये मानना है, एक आखिरी बात मैं आपको और कहूंगा, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस रिलेशन को लेकर, आपकी रिस्पेक्ट जो वहां तक पहुंचती है। लोग कहते हैं कि भाई ये जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना, ये कई लोग नहीं भी मानते हैं, कई लोग इसको ठीक से नहीं भी निभाते हैं। भाई ठीक है, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं या यूं ही सर झुका के अभिनंदन कर देते हैं। ठीक है, वो सबका अपना अपना तरीका है, बेसिकली यहाँ से बात वहाँ पहुँचनी चाहिए। खैर, चरण स्पर्श की अपनी अपनी महत्वता है, जिस पर भी वीडियो है जो मेरे पिताजी ने समझाया, तो वो भी एक अगर संस्कृति आप समझें तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई रीति रिवाज यूं ही बना दिए गए हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक है जो आपको वीडियो में समझ आ जाएगा, तो उस पर मैं अभी डिटेल दोबारा नहीं दूंगा। मगर एक चीज़ बोलूंगा आपको आखिरी, कि अगर गुरु का सबसे अच्छा सम्मान आपको करना है तो वो सम्मान यही होगा कि उसकी सिखाई बातों को आप हमेशा याद रखें, है ना। क्योंकि हम वो लोग भूल जाते हैं जिन्होंने हमें वो सिखाई है बातें, लेकिन हम उन चीज़ों को याद रखते हैं, हम उन बातों को याद रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हम भूल जाते हैं, जैसे शेक्सपियर ने कहा है ना कि व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है ना। तो वो मेरा यूं मानना है कि आप वो भूल जाओगे कि ये सुविचार, ये दोहा, ये चीज़ किसने कही है, वो भूल जाओगे नाम, लेकिन वो चीज़, वो सीख हमेशा जीवन भर याद रहेगी। तो गुरु की बातें अगर, गुरु की सीख अगर हमेशा साथ रखो और आगे लोगों को सिखाते रहो, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होगा उनके लिए। और जैसा कि हम कहते हैं कि उनकी उनका कर्ज हम कभी चुकता नहीं कर सकते, तो अगर कर्ज में थोड़ी बहुत भी सहायता हम कर रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं कि उनकी सिखाई हुई बातों को हम अब भी अप्लाई करते हैं, मानते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत जो है आप सहयोग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं अपनी गुरु की सम्मान में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक और बार पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ। और बड़ा ही अच्छा, मुझे और कोई त्यौहार इतना नहीं पसंद है जितना कि गुरु पूर्णिमा पसंद है, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। तो मेरे ख्याल से आप भी
समझेंगे इसको कि शिष्य और गुरु का रिलेशन सबसे ऊपर होता है, यही है जो आपको परम सत्य तक भी पहुंचाता है, परमात्मा तक भी पहुंचाता है, और अध्यात्म का भी नॉलेज वही आपको देता है, है ना। तो हर गुरु को मेरा प्रणाम है। आज तक मैंने जिनसे जो भी विषय सीखा है, जिस बारे में भी जो भी जाना है, सबको मेरा प्रणाम है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।